चौथे चरण के चुनाव के लिए देखिए, एक तरफ वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जो मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर को लेकर है। और रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, उसके पीछे का लक्ष्य बताया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने और कैसे विपक्ष को जमकर आड़े हाथों एक बार फिर लेते हुए नजर आए, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो गए हैं, लेकिन हर आने वाले चरण के साथ मुद्दे बदलते जा रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान ही पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासत गर्मा गई। मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 400 सीटें मांगने की वजह बताई। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आखिर कैसे कांग्रेस राम मंदिर के फैसले को पलटने का सपना देख रही है। कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शाहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। वहीं लालू यादव के बयान पर भी सियासत गर्म है। लालू यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने का न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के बयान के बहाने इंडी गठबंधन और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। फिलहाल राम मंदिर के मुद्दे और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इन बयानों पर वोटरों का क्या असर पड़ेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा।